फ्रेंड्स, तो अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो बट ढेर सारे टमाटर हो, तो मैं एक बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी टमाटर की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले ऑयल को पैन में गरम कर लेना है। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा जीरा डालना है। जीरा के क्रैकल होने के बाद आपको उसमें हरी मिर्ची डालनी है। हरी मिर्ची के बाद जो कटे हुए टमाटर हैं उसको डाल देने हैं और उसे अच्छे से मिक्स भी कर लेना है। तो ये देखिए, टमाटर को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स होने के बाद आपको इसमें नमक डालना है, और मैं चीनी डालना भूल गई थी, तो आप उसमें एक चम्मच चीनी भी डालोगे। उसके बाद उसमें हल्दी को डालना है। तो ये जो रेसिपी है ना, अगर आपके घर में सब्जी ना हो और आप कुछ फ्लेवरफुल खाना है, आप इसको बना सकते हैं। आप इसको व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। व्रत में हाँ, नॉर्मल सॉल्ट की जगह आपको सेंधा नमक का यूज़ करना है। रिमेनिंग सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, और ये ना रोटी पराठे से बहुत ही टेस्टी लगती है। इसकी रेसिपी मैं आज बहुत टाइम के बाद रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करना, और आप डेफिनेटली इसको आप बहुत ही इंजॉय करोगी। तो मेरी चटनी देखो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो देखो ये मैंने निकाल लिया है, और इसको आप इतना ही चटनी फ्लेवरफुल है ना, मैं आप जब बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। सो इसको आप पराठे से खाइए। देखिए मैं पराठे से लगा रही हूँ, एंड सुपर डिलीशियस एंड यम्मी चटनी तैयार है। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करें।